शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही आदमी को चलना सिखाती है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आप आईएएस में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक मोटिवेशनल कोर्स से। ये इसलिए करते हैं ताकि वीडियो के अंत तक आपका जोश बना रहे और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्वालीफाई करके आप आईएएस आईपीएस जो भी बनना है या फिर स्टेट पीसीएस का अगर आपने क्वालीफाई करना है तो आप आईएएस की टीम इसलिए ये वीडियो से शुरुआत करती है। दोस्तों आज की ये वीडियो जो रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आइए आज की वीडियो के बारे में बता दूं मैं आपको। दोस्तों ये जो वीडियो रहेगी आपकी बेसिकली ये रहेगी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एक्सक्लूसिव। देखिए ये रहेगी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के ऊपर और हिंदू पीआईबी लाइवमेंट इंडियन एक्सप्रेस डाउन टू अर्थ ये सभी ऑथेंटिक सोर्सेज को अकाउंटेबल तरीके से इन अ प्रोफेशनल मैनर आप आईएएस इज गोइंग टू प्रेजेंट यू। तो आप पूछ रहे थे कि आप आईएएस क्या है। देखिए ऑथेंटिक अकाउंटेबल प्रोफेशनल दैट इज़ आप आईएएस दैट हेल्प्स यू टू क्वालिफाई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दैट इज़ आप आईएएस। सो बेसिकली जो आज की वीडियो है वो कवर करेगी वॉल्यूम 1 जून 2019 से सितंबर 2019। अगली वीडियो रहेगी जो कि सितंबर 2019 से जुलाई 2020 यानी कि जब आपका मई 2020 तक की वीडियो अलग से रहेगी। तो आप तब तक के लिए ये वीडियो बहुत ही सफिशियंट है आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम स्टेट पीसीएस कोई भी हो उन सभी के लिए। तो आज की वीडियो के टॉपिक्स के बारे में आपको बता देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज के वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फौना इंपॉर्टेंट लोकेशन गवर्नमेंट इंडेक्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे अगली वीडियो में जो वीडियो सीरीज नंबर 2 है एनवायरनमेंट इकोलॉजी की, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक हम एक वीडियो में कवर करना ना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ना आप लोग उसे पूरा देख पाएंगे। तो टेक्निक्स पॉल्यूशन एमिशन स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिसलेनियस। सो अगर कुछ टॉपिक्स इसमें भी हम कवर कर लेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे कि कितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। सो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो साइड कन्वेंशन है उसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। आज का ये पहला टॉपिक है और इसका पूरा मीनिंग है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। सो बेसिकली इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट विच इज़ एम टू इंश्योर दैट देयर द ट्रेड स्पेसिमेन मीन्स दोज स्पीसीज विच आर थ्रेटन्ड देयर मीन्स सर्वाइवल डजेंट थ्रेटन उनका जो है अस्तित्व ही खतरे में ना आ जाए। सो इट वॉज ड्राफ्टेड इन द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन IUCN। सो बेसिकली साइट्स कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। सो ऑल्दो द कन्वेंशन इज सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज द कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग इन इज नॉट। सो बेसिकली यू हैव टू जॉट डाउन एंड रिमेंबर द पॉइंट इट इज अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन। इट हैज़ थ्री अपेंडिक्स। अपेंडिक्स 1 मीन्स मोस्ट वल्नरेबल एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज। अपेंडिक्स 2 वेयर एज डील्स विद लेस थ्रेटन्ड एंड अपेंडिक्स 3 इंक्लूड्स द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी that regulate trade in the species means for example India has recently sent some of the species for CITES convention to be enumerated in the appendix 1 and 2 but it is not still enumerated in that। तो basically देखिए इसके तीन convention होते हैं means तीन appendix होती हैं। जो appendix 1 होती है वो सबसे stringent आपकी रहती है जिसमें आपकी penalty level भी सबसे ज़्यादा होगा। appendix 2 से relatively lower रहती है और appendix 3 जो होती है वो basically वो include करता है जो कि threatened भी नहीं है vulnerable भी नहीं है बट पार्टीज हैव रिक्वेस्टेड टू हैव इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 and 2। तो ये भी इंटरनेशनल कंसर्न को अट्रैक्ट करती हैं। तो बेसिकली साइट्स कन्वेंशन के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, वाशिंगटन कन्वेंशन इसे कहते हैं, दूसरी बात ये लीगली बाइंडिंग है, तीसरी बात जो है आपकी जो है इसकी तीन अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, 2, 3 जो तीसरे है वो सबसे कम है, सेकंड जो है वो उससे ज़्यादा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेनल्टी भी इसी तरीके से है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि साइट्स कन्वेंशन आपका पूरी तरीके से कवर हो गया होगा। तो दोस्तों उसके आगे जानते हैं UNCCD COP14 क्या है। देखिए UNCCD COP14 जो है COP को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कैसे इमर्ज हुआ, रियो समिट 1990s में जब ये रियो का सबमिट हुआ था, आगे हम बात करने वाले हैं कैसे UNCCD में जो है आपका 1992 में जब ये UNCCD का रियो अर्थ सबमिट हुआ था तो उसमें कैसे ये UNCCD का जन्म हुआ था। तो इंडिया हैज़ होस्टेड रिसेंटली, जो इंडिया ने जो है इसे अभी रिसेंटली होस्ट किया है। इसके अलावा जो है UNCCD का जो बेसिक एम है दोस्तों, UNCCD का बेसिक एम ये है कि टू स्टोर द डिग्रेडेड लैंड बाय 2020। और इसके दो लक्ष्य हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो इसका बेसिक एम क्या है, रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर। सो इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन 1994 अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन दैट लिंक्स एनवायरनमेंट डेवलपमेंट टू द सस्टेनेबल मैनेजमेंट। जो इसकी 14th कॉन्फ्रेंस हुई थी UNCCD की वो केम टू बी नोन एज दिल्ली डिक्लेरेशन। और दिल्ली डिक्लेरेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने जो है कंसर्न जो है एक्सप्रेस किया और सपोर्टेड द इनिशिएटिव टुवर्ड्स द हेल्थ एंड वेलबींग द हेल्थ इकोसिस्टम एडवांस पीस एंड सिक्योरिटी। सो बेसिकली आफ्टर दैट द ड्रॉट
टोल बॉक्स वॉज लॉन्च्ड विच वॉज अ वन स्टॉप एक्शन ऑन ड्रॉट एंड विच वॉज हेल्पिंग द डेवलप्ड कंट्रीज टू इंक्रीज देयर एबिलिटी टू टैकल द ड्रॉट बिकॉज फॉर दैट दे विल हैव इफेक्टिव नॉलेज टू मिटिगेट द ड्रॉट्स. मतलब कि ये जो ड्रॉट टूल बॉक्स था दोस्तों, बेसिकली दैट वाज बेसिकली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू हैव इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूएनसीसीडी एंड ड्रॉट को बचाने के लिए जो है मिटिगेट करने के लिए उन्हें जो भी स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत थी उसके रिलेटेड जो था ये ड्रॉट टूल बॉक्स जो था वो लॉन्च किया गया था. अब बात करते हैं कि यूएनसीसीडी जो है, अब इसका जो है जन्म कैसे हुआ. देखिए बेसिकली 1992 में होती है रियो अर्थ समिट, ठीक है. तो रियो अर्थ समिट से आते हैं तीन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी और तीसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. तो देखिए यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी और सीबीडी. यूएनसीसीडी के बारे में हम बात कर चुके हैं, यूएनएफसीसी जो है इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आगे हम इनके बारे में बात करने वाले हैं. तो आज की इस टॉपिक से आपके क्या क्या याद करने वाले हो गए, रियो 1990 से क्या कौन कौन सी थ्री, इसे बोलते हैं रियो ट्रायो. तो अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज रियो ट्रायो, सो यू विल से यूएनसीसीडी प्लस यूएनएफसीसी प्लस जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. तो बेसिकली आज की वीडियो में से जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन 14 कॉन्फ्रेंस में थी, ड्रॉट टूल बॉक्स जो है वो यूएनसीसीडी कॉप 14 में लॉन्च हुआ और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो है मेन एम क्या है, टू रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर. तो बेसिकली ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा. मगर उससे पहले आपको ये पूरे नोट्स वीडियो से बनाने हैं, मैं पीडीएफ आपको करीब लास्ट जब प्रीलिम्स का टाइम होगा तो उस टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा. सो बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा. तो बॉन चैलेंज देखिए अगला टॉपिक है. तो बॉन चैलेंज जो है वो 2011 में गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी से लॉन्च करती हैं विद इन कोलैबोरेशन विद IUCN एंड इट वॉज एक्सटेंडेड बाई द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एट 14th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट. तो बेसिकली इसको जो है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के रूप में एक्सटेंड किया गया था. लॉन्च किसने किया था, जर्मनी गवर्नमेंट ने और प्लस IUCN इसके साथ थी. इसके अलावा जो है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो है इसका इसमें जो है इसको एक्सटेंड किया गया इन द 2014 यूएन समिट. अब देखिए UPSC ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है, द बॉन चैलेंज वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ 2014 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट. तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये लॉन्च किया गया था 2011 में जर्मनी प्लस IUCN के द्वारा. तो दोस्तों ये याद रखिएगा. इसके अलावा देखिए ये जो है ग्लोबल एफर्ट है 150 मिलियन हेक्टेयर जमीन को रिस्टोर करने के लिए बाय 2020 और 350 हेक्टेयर जो है बाय 2030. तो अभी 2015 में जो COP की पेरिस में बैठक हुई थी तो इंडिया ने इसे उसी टाइम ज्वाइन किया था और प्लेज लिया था कि इट विल रिस्टोर 13 मिलियन हेक्टेयर, जिसे अभी इंडिया ने 2018-19 की जो COP की जो बैठक हुई है दिल्ली में उसमें इंडिया ने बढ़ा के इसको 16 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है. और इसमें जो है इंडिया प्लान करता है कि 2000 मतलब जैसे ये 16 था पहले, यहाँ पे जब 13 मिलियन हेक्टेयर जब इंडिया की टोटल लैंड डिग्रेडेशन पर इंडिया बात करना चाह रहा था तो इसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने जब अभी इसे जब 13 मिलियन हेक्टेयर था तो इसमें 8 मिलियन हेक्टेयर प्लस करके यानी कि 2030 तक इंडिया इसको प्लान कर रहा था कि इट विल इंडिया ने क्या प्लान किया था 2030 तक इट विल रिस्टोर 21 मिलियन हेक्टेयर. बट अब देखिए आप दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद COP 14 की जो दिल्ली में अभी रिसेंट में बैठक हुई है, इंडिया ने कहा क्या कहा कि वो 16 मिलियन हेक्टेयर लेगा प्लस आप 8 कर लीजिए तो ये आपका जो है टोटल इंडिया जो है इतना इंडिया जो है बेसिकली 24 मिलियन हेक्टेयर जो है वो टोटल अब 2030 तक जो है वो रिस्टोर करने वाला है दोस्तों. तो दोस्तों इंडिया के जो है लार्जेस्ट प्लेज होल्डर है पूरे एशियन कंट्रीज़ में. इसके अलावा देखिए अगली बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों. इसके बाद देखते हैं बॉन चैलेंज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं. बॉन चैलेंज मुझे लगता है पूरी तरीके से आपका बॉन चैलेंज का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो चुका होगा. अब बात करते हैं यूएन हैबिटेट के बारे में. अभी इंडिया जो है रिसेंटली एग्जीक्यूटिव मेंबर बन चुका है यूएन हैबिटेट का. तो इसमें जो है यूएन हैबिटेट जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर बात करती है. ये जो 1978 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है. ये मैप मार्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कृपया देख लीजिए नैरोबी केनिया. तो इसके अलावा देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव यूएन हैबिटेट का क्या है, टू प्रमोट सोशली इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़
प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर टू ऑल। इसके अलावा यूएन हैबिटेट क्या करता है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है। और इसके आउटपुट क्या हैं दोस्तों, इसके आउटपुट ये हैं कि ये आज सारी कंट्रीज से आस्क करता है 5R के लिए। अब ये 5R जो है बेसिकली ये यूपीएससी पूछ सकता है, रिथिंक, रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रियूज वेस्ट। तो ये 5R आप नोट कर लीजिए, आपके ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिड्यूस रिथिंक, रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रियूज। तो इसके बाद देखिए इसकी जो थीम है बेसिकली वो थीम है इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो ये बेसिकली ये था यूएन हैबिटेट। इसके अलावा देखिए आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ें हम आज की ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। तो बेसिकली जो ये वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा यूपीएससी के लिए और कोई भी एग्ज़ाम यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रिविजन सीरीज़ है। सो आज की अगला टॉपिक है फौना। फौना में बात करते हैं इम्प्रेस्ड टॉटॉइस या मनोरिया इम्पेसा, इसको कहते हैं इम्प्रेस्ड टॉटॉइस क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन में होता है और साउथ ईस्ट एशिया बर्मा में भी ये पाया जाता है, लाओस, सदर्न चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और नॉर्थ ईस्ट ये भी इसकी लोकेशंस हैं। तो ये जो है स्पीसीज हैज़ गोल्डन ब्राउन शेल एंड स्किन, इसका जो है ये जो रहता है 66,000 फीट पर रहता है और इसकी IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इम्प्रेस्ड टॉटॉइस का IUCN स्टेटस, ये इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसकी स्पीसीज क्या है और ये किस एरिया में रहता है। दोस्तों ये अगर हमें मौका मिला तो समय मिलते ही हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी एक बार डिस्कस कर देंगे जिससे आपको इस चीज़ की महत्ता समझ में आ सके कि ये जो हमने डिस्कस किया है ये कितना महत्वपूर्ण है। अब एशियाटिक लायन की बात करते हैं तो ये पाया जाता है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू गिर नेशनल पार्क एंड एनवायरमेंट्स इन इंडिया ऑफ गुजरात ऑफ इंडिया। तो दोस्तों देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि एकमात्र गिर में जो है एशियाटिक लायन बचे हुए हैं और गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क गुजरात इंक्लूड गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पानिया सेंचुरी, मेथाल सेंचुरी और एडजॉइनिंग फॉरेस्ट। तो एशियाटिक लायन का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स 1 साइट्स में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ये शेड्यूल 1 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है ये मैं जो है करंट अफेयर्स की सीरीज़ नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं या फिर मैं इसको जो है एंड स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा। तो देखिए गिर सेंचुरी इज़ वन ओनली वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन एशियाटिक वर्ल्ड, तो पूरे एशिया में ये अकेली है। तो ये इस पॉइंट आपको याद रखने हैं एशियाटिक लायन के बारे में। ब्लैक सी टर्टल के बारे में याद रखिए कि इसे बोत्सवानी टर्टल भी कहते हैं और मजारी भी कहते हैं, और मजारी कहाँ का, फ्रेश वाटर टर्टल का। तो ये जो हैं सॉफ्ट शेल टर्टल कहलाते हैं। इसके अलावा इनका जो वेट रहता है दोस्तों वो बहुत कम रहता है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं जो कि ये जिस वजह से ये तेज जा सकते हैं। सो दीज स्पीसीज आर एक्सटेंटेड वाइल्ड और इनको जो है कई कई जगह इंडिया के जो है पॉन्ड्स और टेंपल्स में भी पाए जाते हैं ये, और ये ओरिजिनली जो है इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर में पाए जाते थे। और जो अभी रिसेंट में है उग्र तारा टेंपल ने जो है स्पेशल दर्शन भी ऑर्गेनाइज किया था इनकी जो है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के लिए, और उसके बाद इन्हें जो है वाइल्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो दोस्तों ये इसीलिए ब्लैक सी टर्टल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लैक सी टर्टल एक्सटिंक्टेड वाइल्ड IUCN रेड स्टेटस, IUCN रेड डाटा बुक का स्टेटस इसका याद रखिएगा। उर्मा तारा टेंपल जो है उसकी लोकेशन याद रखिए, ये तारा देवी से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट शक्ति श्राइन है जो कि आसाम गुवाहाटी में जो है, तो आप इसको लोकेट जरूर कर लीजिएगा। मैप मार्किंग के लिए आपका आज का क्वेश्चन शक्ति श्राइन है जो गुवाहाटी आसाम में है, आप एक बार इसको लोकेट जरूर कर लें दोस्तों। तो आइए अगली स्पीसीज़ के बारे में जानते हैं, लॉगर हेड टर्टल। तो ये जो है मेडिटेरेनियन रीजन का बहुत ही कॉमन जीव है और जो है इट इज़ फाउंड इन ग्रीस, टर्की, इज़राइल एंड लीबिया। तो इसकी जो है नेस्टिंग साइट्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रही हैं क्योंकि टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, बट एक रिसेंट स्टडी ने ये वार्न किया है कि जो है उनके की ब्रीडिंग ग्राउंड केप वर्डे आइलैंड्स जो हैं इसकी इसके में जो है फीमेल जो हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है
उनका सेक्स जो है ओरिएंटेशन वो बदल जाएगा और जो है फीमेल्स जो है इमेच्योर हो जाएंगी फॉर फर्टिलिटी। इनका IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो कश्मीरी स्टेक की बात करते हैं, ये हंगुल भी कहलाता है और कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है, तो ये अभी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में यूपी मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्रोवोक किया है स्पेशल स्टेटस, तो हंगुल तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ये ढाचीगाम नेशनल पार्क में है, तो ये भी हो सकता है कि ये हंगुल ना पूछ के ढाचीगाम नेशनल पार्क पूछ ले। तो ढाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्रिटिकली IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो अब बात करते हैं औरंगतुम के बारे में। तो देखिए औरंगतुम कितना सुंदर सा प्यारा सा जीव लग रहा है। तो ये रिसेंटली औरंगतुम जो है इसको कहाँ से लाया गया था? नंदा कलम जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा से लाया गया था। तो औरंगतुंग जो हैं वो नेटिव इंडिया के ही नेटिव हैं और ये माइग्रेटरी एनिमल बिल्कुल भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन UPSC आपसे पूछ सकती है, द औरंगतुंग रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू अ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ मंकीज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया .. फिर उसके बाद दो तीन ऑप्शन दे देगी और UPSC पूछ देगी। बट ये आपको याद रखना है कि इट इज़ नॉट, औरंगतुंग इज नॉट अ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इसने जो है इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम इन ट्रीज और इसकी तीन स्पीसीज हैं, बोरियम, सुमात्रम और तपानौली। तो इनके जो तीन नाम ये हैं, जो ये तानापुली तपनुली, आप जो है इसको जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पर पहले छोड़ रहा हूँ। तो इसका जो है डिक्लाइनिंग रीजन क्या क्या है, इसके डिक्लाइन होने का जो रीज़न है वो हंटिंग है और इसके अलावा जो है डिफॉरेस्टेशन और इनकी जो ब्रीडिंग है वो भी स्लो है। तो IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, औरंगतुंग। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन की हम बात करते हैं, बार बार आप सुनते होंगे कोमोडो ड्रैगन के बारे में। अभी हाल ही में कोमोडो ड्रैगन के मॉनिटरिंग के लिए एक मिशन भी यूएसए के द्वारा चलाया गया है। तो कोमोडो ड्रैगन, ये कोमोडो मॉनिटर भी कहा जाता है, ये लिजार्ड की एक स्पीसीज है जो कि इंडोनेशियन आइलैंड कोमोडो रिसेका गिली मॉन्टेंग में जो है ये पाई जाती है। तो इसके अलावा ये लार्जेस्ट लिविंग स्पीसीज ऑफ लिजार्ड है, इसको डायनासोर का एंसेस्टर भी कहा जाता है दोस्तों, डायनासोर का डिसेंडेंट भी कहा जाता है सॉरी। तो ये जो है वेनोमस बाइट के लिए जो है ये फेमस हैं। उसके अलावा जो है ये इनके पास दो ग्लैंड्स होते हैं और इनका जो लोअर जो होता है वो टॉक्सिक प्रोटीन जो है बहुत सारे वो प्रोड्यूस करता है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसके अलावा आइए बात करते हैं नीलगिरी थार की। तो नीलगिरी इम्बेक्स और सिंपली इम्बेक्स भी इसको कहते हैं। इसके अलावा जो है ये नीलगिरी हिल्स में जो है एंडेमिक है, साउथ पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु केरला सदर्न इंडिया में भी ये पाया जाता है। तो स्टेट एनिमल है कहाँ का? तमिलनाडु का। इसके अलावा नीलगिरी थार जो है पॉपुलेशन इसकी 568 2018 से 612 2019 में हो गई है। तो ये मुरुथी नेशनल पार्क तमिलनाडु में जो है पाया जाता है। इसके अलावा जो है इसका IUCN स्टेटस जो है एंडेंजर्ड है। तो दोस्तों आगे जानते हैं, तो नीलगिरी थार के बारे में हम पीछे जान चुके हैं, देखिए अभी बात की थी नीलगिरी थार के बारे में। तो नीलगिरी थार, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वट इज़ IUCN स्टेटस ऑफ नीलगिरी थार, जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि नीलगिरी थार का IUCN स्टेटस क्या है। दोस्तों बिल्कुल बेमानी मत करिएगा, क्योंकि UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम आप जो है करने जा रहे हैं क्वालिफाई, तो आप बिल्कुल भी बेमानी मत कीजिएगा। तो आइए, अब देख ही लिया होगा तो अब फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि IUCN स्टेटस का एंडेंजर्ड है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, वीडियो के साथ साथ। आप जो सोचेंगे कि ये PDF मिल जाए हम PDF से नोट्स बना लें, तो ये कोई भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ साथ अगर नोट्स बनाएंगे तो आपकी 3 टाइम लर्निंग होगी, यानी कि ऑडियो विजुअल प्लस राइटिंग, यानी कि आपका ब्रेन 3 टाइम जो है वो एक्टिव होगा, तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो अब इसके अलावा देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव साइंसेस ऑफ ऑर्चिड्स क्या है। तो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, जो ऑर्चिड्स के इंडिया के ऑर्चिड्स के ऊपर है जो ये सेंसस है। इसने 1 to 5 6 स्पीसीज़ को जो है वो किया था। इसके अलावा 388 स्पीसीज़ एंडेमिक टू इंडिया इसने एनालाइज की थी। तो इसने जो है जितने भी ऑर्चिड्स हैं, मतलब जितने भी बागान हैं, उनको 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया है, एपीफाइटिक, टेरेस्ट्रियल और मोनो सेट्रोट्रॉपिक। तो एपीफाइटिक क्या है? प्लांट जो है ग्रोइंग अदर ऑन अनदर प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल कौन कौन से हैं? जो लैंड और क्लाइंबर्स हैं। और जो माइसो ट्रॉपिक जो हैं वो प्लांट जो हैं वो माइक्रो कॉरियल फंगी से जो है अपना न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते हैं। तो इंडिया की जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड स्पीसीज़ है वो रिकॉर्ड की गई है अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद सिक्किम है। ऑर्चिड फैमिली में जो है ऑर्चिड फैमिली जो है वो अपेंडिक्स 2 में साइट्स के जो है मैंशनड है, और साइट्स 2 जो है यानी कि अपेंडिक्स 2 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनको कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लोरा और फौना दोनों के लिए है। तो आइए आज की अगली उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में, पिछले उसमें हमने जान लिया था कि किस प्रकार से जो है
इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस ऑन ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो यहाँ पे कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे। कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक एस्चुरी में सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। मैं मैप के जरिए आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये गोदावरी की एक एस्चुरी है। अब आपको एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एस्चुरी, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि सब कुछ अगर हम बता देंगे तो आप अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन कम करेंगे। तो इट्स सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज इन इंडिया। इसके अलावा देखिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट बैक्ड वल्चर, वाइट बैक वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, वल्चर की दो स्पीसीज हैं, आप इन दोनों को याद कर लीजिए, वाइट बैक वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ये यहाँ पाई जाती हैं। और ये होप आइलैंड जो है यहाँ कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये जो है सबसे यंगेस्ट आइलैंड है पूरी इंडिया का। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो देखिए कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी आसाम में सिचुएटेड है। ये रही कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों। कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है आप देख सकते हैं कि मैनग्रोव सेंचुरी के लिए अलग है, मैनग्रोव मीडियम के लिए अलग रंग से दर्शाया गया है। जो ये है ये एक प्रकार की मैनग्रोव सेंचुरी है। तो ये कृष्णा वाटर की भी एक सेंचुरी है। इसके अलावा अंगी पलम और ये जितने साउथ के नाम हैं थोड़ा सा टिपिकल होते हैं बोलने में। तो आप ये मैनग्रोव का मैप ऑफ आंध्र प्रदेश या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो मैं पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा, बट पीडीएफ मैं आपकी प्रीलिम्स के टाइम ही दे पाऊंगा, क्योंकि अभी अगर दूंगा तो आप लोग जो है इसके नोट्स सही से नहीं बनाएंगे। तो आगे देखते हैं चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करते हैं दोस्तों। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है धुबरी और कोहोगा डिस्ट्रिक्ट आसाम में पाई जाती है। और ये जो है बेसिकली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जो कि सेकंड प्रोटेक्टेड हैबिटेट है गोल्डन हैबिटेट गोल्डन लंगूर का इंडिया में। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सेकंड हैबिटेट है। आइए चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखते हैं कि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर मैप में कहाँ है। मेरे साथ साथ मैप की लोकेशन आप लगाते रहिए, मार्क करते रहिए। ये देखिए चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके आसाम में है। ये रही चक्रशिला। और देखिए ये जो है बहुत सी स्ट्रीम्स के आसपास जो है ये पाई जाती है। आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बकुमारी स्ट्रीम के आसपास जो है आपकी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी स्ट्रीम? बकुमारी स्ट्रीम। तो आप बकुमारी स्ट्रीम याद रखिए कि बकुमारी स्ट्रीम के आसपास जो है आपकी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अचान माकर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की। जो ये है ये बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है, जो कि पाया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। और इसके जो है नॉर्दर्न पार्ट में बायोग्राफिक जोन जो है वो 6 में पाया जाता है और बायोग्राफिक जोन 6A में। तो इसकी अबाउट 68.1% जो रिजर्व है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये जानते हैं कि ये कहाँ पर है। तो देखिए जो मैप है बांदी ये ऐसा है अचार्य माटक अमरकंटक रिजर्व का। तो ये देखिए पंचमली रिजर्व के बगल में ये पाया जाता है और सिमीपल के ऊपर पाया जाता है। वहीं जो है ये पैन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के नीचे पाया जाता है, यानी कि ये तीन बायोस्फीयर रिजर्व के जो है पास पाया जाता है दोस्तों। ये सभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा सेचाचलम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, अगस्त्यमलाई है, कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी है, कंचनजंगा, डिब्रू सोलवाका, सुंदरबन, सिंपलीपाल, दिहांग देवांग, तो मानस, नौक्रेक दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों। ये बायोस्फीयर रिजर्व का मैप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको जो है अपने उसमें मार्क कर लीजिए और इसके साथ साथ इसको याद भी कर लीजिए कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। तो अगला बात करते हैं बायोस्फीयर बांदीपुर नेशनल पार्क की। तो ये है, ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटका में लोकेटेड है। इसके साथ साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो है नगरहोल नेशनल पार्क की, मुदुमलाई नेशनल पार्क के पास, उसके अलावा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसके जो है पूरा एक्सटेंशन है। तो ये मॉनेटरी वैल्यू की अगर हम बात करें, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 6405.7 करोड़ एनुअली इकोनॉमिक वैल्यूएशन टाइगर रिजर्व से पाता है, जो कि NTCA ने अभी हाल ही में रिलीज किया था। इसके अलावा जो है जो इसमें रिलीज किया जाता है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट का 700 गुना है। तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व अगर हम करें तो आप पाएंगे कि NTCA जो रिलीज्ड स्टडी जो उन्होंने की थी इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व, तो एक ये पॉइंट और क्वेश्चन आपका ये भी बन गया, द इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज़ अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय, तो आप लिखेंगे NTCA। तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व ए वैल्यू प्लस अप्रोच, जो कि वैल्यू रिप्रेजेंट बेनिफिट ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, और इसके अलावा जो है
वैल्यूएशन एनहेंस किया गया किसके द्वारा, टाइगर रिजर्व के द्वारा, इकोनॉमिकली रेशनल हैं ये करके। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका ये कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए जान लेते हैं कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे। आप मेरे साथ साथ एक ज्योग्राफी की बुक ले लीजिए, एटलस ओरेंट ब्लैक स्वान, या फिर आप ले सकते हैं एटलस, स्कूल एटलस ले सकते हैं किसी और अच्छे उसकी। तो देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बांदीपुर जो है मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। इसके अलावा जो है नेशनल पार्क के टोटल 7874 स्क्वायर मीटर और एल्टीट्यूड है इसका 680 मीटर और नियर नदन एज ऑफ नीलगिरी ये आपका सिचुएटेड है। तो ये बांदीपुर का पूरा एरिया ये है, ये बांदीपुर है, देखिए यहाँ पर बांदीपुर है। तो आप बांदीपुर मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं कि बांदीपुर कहाँ पर है। तो दोस्तों आगे जानते हैं, ये अंतिम लगभग अंतिम आज की इस वीडियो की अंतिम छोर की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने से आपको क्या बेनिफिट हुआ, देखिए आप आज ही के दिन जो है इतनी सारी चीज़ें आप कवर कर गए। गोगा बिल की जब हम बात करते हैं तो ये ऑक्सबो लेक है बिहार की कटिहार डिस्ट्रिक्ट में और ये स्टेट कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो है ये रिजर्व जो है टोटली प्रोटेक्टेड एरिया है और बफर जोन कनेक्ट करता है माइग्रेशन कॉरिडोर एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और पूरे एरिया को जो है गोगा बिल जो है एकमात्र ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या है, देखिए जब भी रिवर जो होती है यूथफुल स्टेज से जो होती है आगे बढ़ती है तो वो मेंडरिंग शुरू कर देती है और जब रिवर अपना कोर्स बदलती है तो ये क्या होता है यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन लग जाता है तो ये फॉर्म कर देता है ऑक्सबो लेक, यानी कि जो घोड़े की नाल वाली लेक है उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो याद कर लीजिए घोड़े की नाल ऑक्सबो लेक। तो गोगा बिल को देख लेते हैं, देखिए गोगा बिल जो है ऑक्सबो लेक है कहाँ, बिहार कटिहार में, और ये कम्युनिटी रिजर्व है। इसके अलावा फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ महानंदा और कन्हार इन द नॉर्थ और गंगा साउथ से और ये 15th प्रोटेक्टेड एरिया है बिहार का। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें बस एक आखिरी टॉपिक बचा है जो कि है भाखड़ा नागर डैम। तो भाखड़ा नागर डैम जो है वो सेकंड टॉलेस्ट डैम है एशिया का आफ्टर टिहरी डैम। तो ये पाया जाता है पंजाब हिमाचल के बॉर्डर में और ये सतलुज रिवर पर है और ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है हरियाणा राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश को। गोविंद सागर डैम में हिमाचल प्रदेश के ये सिचुएटेड है और ये भाखड़ा नागर डैम में है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय भाखड़ा नागर डैम, सॉरी भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असाइन किया गया है और इसको 15 मई 1976 से ही असाइन करता है। और टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो लगभग आज की ये वीडियो अब समाप्त होने वाली है। भाखड़ा नागर डैम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये भाखड़ा नागर डैम है और अन्य डैम्स के बारे में जो है हम आपको दिखाएंगे आगे की वीडियोस में। तो अगली वीडियो जो रहने वाली है पार्ट 2 रहेगी वो टेक्निक्स पॉल्यूशन एमिशन स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और मिसलेनियस चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ये जो सीरीज़ है दोस्तों ये बेसिकली आप लोगों के लिए ओरिएंटेड रहने वाली है दोस्तों, और आप लोग का सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलते रहा दोस्तों तो तभी जाके हम इतनी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के थॉट के साथ जो कि APJ अब्दुल कलाम जी का थॉट है, 4 ब्यूटीफुल थॉट ऑफ लाइफ आर लुक बैक एंड गेट एक्सपीरियंस, लुक फॉरवर्ड एंड सी होप, लुक अराउंड एंड फाइंड रियलिटी, लुक विद इन फाइंड योर सेल्फ। तो दोस्तों पीछे देखिए कि आपने पिछले बार प्रीलिम्स में ये IAS आपके साथ नहीं था, अब के आपके साथ हैं और आपने एक्सपीरियंस से सीखिए कहाँ गलती हुई थी, और फॉरवर्ड देखिए यानी कि अब के देखिए कि IAS आपके साथ खड़ा है और किनारे किनारे देखिए और रियलिटी में देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपका ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अंततः जाते जाते एक शायरी मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए फिर से, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।